हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंडोलोगस में। आज हम डिस्कस करेंगे नेम चेंज इन 2023 और इसके साथ ही 2022 और 2021 में जो नेम चेंज हुए थे उनको भी हम कवर करने वाले हैं और उनको भी हम एक बार रिवाइज़ कर लेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर किए हैं जो भी एग्ज़ाम में बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स बिना किसी देरी के हमारी वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा किसके नाम पर मुंबई के चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सीडी देशमुख। सीडी देशमुख जी की अगर आप बात करें तो चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन कर दिया गया है और सीडी देशमुख फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। आरबीआई की बात कर लेते हैं तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी और इसके जो फर्स्ट गवर्नर थे वो थे ऑशबोर्न स्मिथ और फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? ये सीडी देशमुख थे और वर्तमान में इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। मुंबई की बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो सीएम हैं अभी वो हैं एकनाथ शिंदे और यहाँ के गवर्नर अभी अपॉइंट हुए हैं रमेश बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राजपथ का नया नाम बदलकर क्या रखा है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, कर्तव्य पथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मियां का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महेश नगर हॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो किस नए नाम पर रखा गया है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, तात्या मामा रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। और ये कहाँ लोकेटेड है? भोपाल में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में सर्कुलर रोड चौक का नाम बदलकर अटल जी चौक कर दिया गया है? तो सर्कुलर रोड चौक ये है जम्मू में, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवी मुंबई हवाई अड्डे महाराष्ट्र का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो नवी मुंबई एयरपोर्ट महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसका नाम बदलकर अभी रखा गया है ऑप्शन नंबर सी, डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के बाबर रोड का नया नाम क्या है? राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर बी, इसका जो नया नाम है फ्रेंड्स वो रखा गया है 5 अगस्त मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मुगल गार्डन इसका जो नेम चेंज किया गया है इसका नाम रख दिया गया अभी ऑप्शन नंबर बी, अमृत गार्डन या फिर अमृत उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये गोवा में लोकेटेड है, इसका नया नाम रखा गया है ऑप्शन नंबर ए, मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और मनोहर पर्रिकर ये गोवा के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इसके अलावा ये रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नाम बदलकर किस नए नाम पर रखा गया है? तो इसका नया नाम रखा गया है ऑप्शन नंबर ए, पीएम विकास। तो पीएम विकास की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, तो इसका फुल फॉर्म है विरासत का संवर्धन करना या फिर प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन इसका फुल फॉर्म है। तो पीएम विकास आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में नगर परिषद मुडेरा बाजार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम रखा गया है ऑप्शन नंबर डी, चौरी चौरा। और चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेडियम में स्टैंड का नाम महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के नाम पर रखा जाएगा? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ईडन गार्डन स्टेडियम। ये कहाँ है? कोलकाता में लोकेटेड है, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के किभीथू मिलिट्री स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका जो नया नाम है वो है ऑप्शन नंबर डी, जनरल बिपिन रावत मिलिट्री स्टेशन। कहाँ लोकेटेड है? अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
WHO ने मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदलकर क्या रखा है? इसका नया नाम रखा है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी एम पॉक्स। और WHO की अगर हम बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था और इसके अभी हेडक्वार्टर है जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और इसके अभी हेड हैं डॉक्टर टेड्रोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है ऑप्शन नंबर ए अक्षरधाम एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस नए नाम पर रखा गया है? इसका नया नाम है ऑप्शन नंबर बी शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नया नाम है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी संभाजी नगर। और औरंगाबाद एयरपोर्ट का भी नाम रीनेम कर दिया गया है, तो छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट इसका नाम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल के द्रास सेक्टर में 0.5140 हिल्स का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो द्रास सेक्टर 0.5140 हिल जो है इसका नाम बदलकर रख दिया गया है ऑप्शन नंबर सी गन हिल। और कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था और इसमें कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन विजय इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय द्वारा बेंगलोर मैसूर टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलकर किस नए नाम पर रखा गया है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी वोडेयार एक्सप्रेस। तो वोडेयार एक्सप्रेस आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अयोध्या में प्रसिद्ध नया घाट चौराहा का नाम बदलकर किस नए नाम पर रखा है? तो नया घाट चौराहा इसका नया नाम है ऑप्शन नंबर सी लता मंगेशकर चौक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नया नाम है ऑप्शन नंबर सी नीरज चोपड़ा स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अहमदाबाद के एलजी मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर क्या रख दिया है? इसका नया नाम है ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने दिल्ली के नेहरू संग्रहालय का नाम बदलकर क्या रखा है? तो क्या कर दिया है नेहरू संग्रहालय का नया नाम? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बनी सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। तो सिक्किम में एक लिंक रोड थी जो कि जो सोमगो लेक है उसको नाथुला बॉर्डर से जोड़ती थी गैंगटोक में, और इसका जो नया नाम है वो है नरेंद्र मोदी मार्ग और पहले इसे जवाहरलाल नेहरू रोड के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किनके नाम पर रखा है? तो मैनपुरी सैनिक स्कूल का जो नया नाम है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। तो जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल रखा है और जनरल बिपिन रावत ये फर्स्ट CDS थे इंडिया के और पद्म विभूषण इन्हें दिया गया था 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा TV और राज्यसभा TV को मिलाकर कौन सा चैनल लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी संसद TV। तो संसद टेलीविज़न इसका नाम हो गया है और इसको क्रिएट किया गया था 2021 में। मर्जिंग इसका हुआ था, लोकसभा TV और राज्यसभा का मर्जन हुआ था 2021 में, इसको संसद TV का नाम दिया गया है। और इसके CEO कौन है वर्तमान में? तो उत्पल कुमार सिंह इसके CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक क्रिप्टो करेंसी लिब्रा, तो फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी लिब्रा का नया नाम क्या है? इसका नया नाम है ऑप्शन नंबर ए डाइम। तो डाइम इसकी करेंसी है और फेसबुक का नया नाम क्या है? मेटा। तो ये भी आपको याद रखना है, फेसबुक का नया नाम मेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा समूह की देश की अग्रणी DDH कंपनी टाटा स्काई का नया नाम क्या है? तो टाटा स्काई का नया नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है टाटा प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा होशंगाबाद जिले का नया नाम क्या रखा गया है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी नर्मदापुरम। और नर्मदा
रिवर के किनारे स्थित है, ये साउथ में स्थित है होशंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की देश का नया नाम क्या है? तो तुर्की देश का जो नया नाम है ये रख दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, तुर्की। तो पहले तुर्की इसका नाम था और अभी इसका नाम तुर्की कर दिया गया है। और किसने किया था इसका नाम चेंज? तो प्रेसिडेंट है यहाँ के तैयब अर्दोगन, जिन्होंने इनका नेम चेंज किया था। और तुर्की की कैपिटल क्या है? अंकारा इसकी कैपिटल है और करेंसी है तुर्किस लीरा। और अभी तुर्की में भूकंप आया था और इंडिया के द्वारा हेल्प की गई थी, तो उसमें एक ऑपरेशन चलाया था, उसका ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन दोस्त। तो ऑपरेशन दोस्त का संबंध किससे है? तो तुर्की में इंडिया के द्वारा की गई हेल्प से उसका जो चलाया था वो चलाया गया था ऑपरेशन दोस्त। तो ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेशिया के एयर एशिया समूह ने अपनी सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी एयर एशिया का नाम बदलकर क्या रखा है? तो एयर एशिया का नया नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बीस का राइट आंसर रहेगा, कैपिटल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? इसका नया नाम रखा गया है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, एकता नगर रेलवे स्टेशन। ये कहाँ लोकेटेड है? तो केवड़िया में नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और इसके साथ ही आपको याद रखना है स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। और इट इज़ अ टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ द वर्ल्ड, और इंडिया की ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची प्रतिमा है ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित माउंट हैरियट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नया नाम रखा गया है ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। तो माउंट मणिपुर नेशनल पार्क इसका नाम हो गया है, ये आपको याद रखना है, अंडमान निकोबार में लोकेटेड है। यहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड है जिनका नेम चेंज हुआ है, जैसे कि हैवलॉक द्वीप है, तो हैवलॉक आइलैंड जो कि अंडमान निकोबार में लोकेटेड है फ्रेंड्स, इसको रीनेम कर दिया गया है स्वराज आइलैंड से। नील आइलैंड, इसको शहीद आइलैंड के नाम से जाना जाता है। और रोज आइलैंड का नया नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या है? इसका नया नाम है ऑप्शन नंबर बी, रामगंगा नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है एंड ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। इस्टेब्लिश किया गया था 1936 में और ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में लोकेटेड है। और इसका नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया अभी, और इसका पुराना नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क इसे पुराना नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असम सरकार ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या रखा है? तो पहले इसका नाम था राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क, और असम सरकार ने इसका नाम अभी राजीव गांधी को हटाकर औरंग नेशनल पार्क कर दिया है। तो औरंग नेशनल पार्क ये कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, औरंग नेशनल पार्क असम में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रख दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। तो गुजरात की जो सरकार है उसने ड्रैगन फ्रूट का नाम कमलम कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम किसके नाम पर रखा गया है? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इसे कहा जाता है, और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा इसे रीनेम किया गया था। और फर्स्ट टाइम ये अवार्ड दिया गया था चेस प्लेयर विश्वनाथ आनंद को 1991-92 में, और इसका जो कैश प्राइज़ है वो है 25 लाख रुपये। और 2022 में अवार्ड दिया गया है शरद कमल को, जो कि टेबल टेनिस के प्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या रखा है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, पीएम पोषण स्कीम। पीएम पोषण स्कीम इसका नया नाम है मिड डे मील स्कीम का, और इसको लॉन्च किया गया था 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नया नाम क्या रखा है? इसका नया नाम है ऑप्शन नंबर बी, काकोरी ट्रेन एक्शन। और ये कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को यह काकोरी विलेज ऑफ लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की चेनानी नासरी सुरंग का नया नाम क्या है? तो चेनानी नासरी टनल ये जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है, और इसका जो नया नाम है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? तो हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे का नया नाम, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नाम बदल के ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, साबरमती घाट गुजरात का नया नाम क्या है? तो साबरमती घाट की अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा अटल घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग सुरंग का नया नाम क्या रखा गया है? तो रोहतांग टनल ये लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में और इसका नया नाम है ऑप्शन नंबर सी अटल टनल। और इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी जो लंबाई है 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के बोगीबिल ब्रिज का नया नाम क्या है? तो असम के बोगीबिल जो बोगीबिल ब्रिज है इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अटल सेतु और ये लोकेटेड है ब्रह्मपुत्र रिवर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार मखाना का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो नया नाम है बिहार का मखाना है जो मिथिला मखाना और इसको GI टैग भी दिया गया है बिहार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली के प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर की सिटी चौक का नाम बदलकर भारत माता चौक कर दिया गया है? तो सिटी चौक ये जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा और अभी इसका नाम बदलकर भारत माता चौक कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दीनदयाल पोर्ट और ये लोकेटेड कहाँ पर है? गुजरात में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन 18 का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी वंदे भारत एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 का नया नाम है और इंडियन सेमी हाई स्पीड ट्रेन है ये और इंडिया की फर्स्ट इंजन लेस ट्रेन है और इसको कम्प्लीटली डिजाइन किया गया है इंडिया में, मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में की गई है इसकी और फर्स्ट टाइम ये रन करती है दिल्ली टू वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने ईटानगर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम बदलकर किस नाम पर रखा है, किस नए नाम पर रखा है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी डोनी पोलो एयरपोर्ट जो कि ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। तो पूछा जा सकता है कि डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ है, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदलकर क्या रखा है? तो क्या कर दिया है इसका नया नाम? इसका नाम रख दिया है ऑप्शन नंबर सी बदलाव। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ये लॉन्च हुआ था, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया था लॉन्च 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से। और बदलाव की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी, तो इसकी फुल फॉर्म आपको ज़रूर याद रखनी है फ्रेंड, बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट मोटेरा स्टेडियम और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का नया नाम क्या है? इसका नया नाम है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी स्टेडियम। पहले इसका नाम था मोटेरा स्टेडियम, उसके बाद इसका नाम किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम एंड अभी इसका नाम कर दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम और लोकेटेड है अहमदाबाद गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड हमने रिनेम कवर किए हैं, कुछ पॉइंट्स हैं उनको हम कवर कर लेते हैं फ्रेंड्स। इंग्लैंड के क्रिकेट ग्राउंड का नाम है सुनील गावस्कर के नाम पे। पंजाब मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम हैज़ बीन रीनेम्ड आफ्टर बलवीर सिंह सीनियर, तो बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर इसका नाम कर दिया गया है। लखनऊ इनाका स्टेडियम हैज़ बीन रीनेम्ड अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। द स्टेडियम ऑफ आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे हैज़ बीन नेम्ड नीरज चोपड़ा आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट। दिल्ली फिरोज शाह कोटला स्टेडियम रीनेम्ड एज अरुण जेटली स्टेडियम। यहाँ पर रेलवे से रिलेटेड कुछ रीनेम हुए हैं उनके नाम देख लेते हैं। तो इंडिया का जो ट्रेन गार्ड है उनको कहा जाता है अभी, उसको रीनेम करके क्या
कर दिया गया है, तो ट्रेन मैनेजर। भोपाल मेट्रो स्टेशन ऑफ महाराष्ट्र सॉरी भोपाल मेट्रो स्टेशन ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ बीन रीनेम्ड भोज मेट्रो स्टेशन। भोपाल मेट्रो स्टेशन का नया नाम भोज मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। द नेम ऑफ बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन कर्नाटका वॉज चेंज क्रांतिवीर संगोली रैना रेलवे स्टेशन। और RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, RPF का नया नाम है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, इसका नया नाम कर दिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। और आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या रखा है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और PDF के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल इंडोलोगस। और थैंक यू सो मच दी वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिए। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए इसके लिए कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच दी वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।